हेलो फ्रेंड्स, एवियज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप वीडियो पार्ट वन में देखे हैं कि मैंने 7.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन आपने देख लिया और अब आगे की पांचवा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं पांचवे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यही दोस्तों आकृति है 7.8, यही पूरा फिगर है, इसी में बताया गया है। बैठे हुए हैं चारों ए बी सी और डी। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं होती है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। तो चंपा कहती है कि चमेली से कि ये वर्ग नहीं है, तो चंपा चमेली को सहमत नहीं होता है। तो आप यहां से प्रूफ करके बताइए कि क्या वर्ग है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि आप दोस्तों यहां देख सकते हैं कि मैंने एक फिगर बना रखा है, तो यहां से ए बी सी और डी ये चारों दोस्त मित्र बैठे हुए हैं कक्षा में। तो ए का जो दिया गया है बिंदु वो 3 और 4 और बी का 6 और 7, सी का 9 और 4 और डी का 6 और 1। तो यहां से दूरी सूत्र का यूज करके हम इसके पता करते हैं कि वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। बारी बारी से हम चारों तरफ की बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र का यूज करके हम बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी के बीच की दूरी। तो जैसा कि ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी सबसे पहले निकालते हैं, तो इसको 6 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर +7 - 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ये दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहां से घटाने पर दोस्तों 6 में से 3 को घटाएंगे, तो यहां हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 7 में 4 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से √18 आ गया दोस्तों। तो ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया, √18। अब आगे बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बी और सी के बीच की दूरी हो जाएगा वही फॉर्मूला का यूज करके, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे तो दोस्तों -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ 9। तो यहां से भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि 9, 9, 18, यहां से भी मेरा √18 आया। तो बी और सी के बीच की दूरी भी कितना हो गया, √18। अब आगे सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो सी और डी के बीच की दूरी √9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से दोस्तों 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3 और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहां से भी दोस्तों 9 और 9, 18, तो यहां से भी √18 आया। तो आप देख सकते हैं कि सी और डी के बीच की दूरी भी कितना आया, √18। अब डी और ए के बीच की दूरी निकालते हैं। तो डी और ए के बीच की दूरी
छः माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस एक माइनस चार का होल स्क्वायर। तो छः में से तीन को घटाएंगे दोस्तों तो तीन आएगा, तो तीन का स्क्वायर होता है नौ, प्लस एक में से चार को घटाएंगे तो माइनस तीन होगा, तो माइनस तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा नौ, अभी दोनों का रूट अंडर, तो नौ और नौ अठारह, तो रूट यहाँ से भी रूट अठारह है। तो डी और ए का रूट की दूरी भी कितना आ गया, रूट अठारह। तो आप देख सकते हैं कि चारों दूरी क्या है, चारों के बीच की दूरी बराबर आया, तो इसलिए ये चमेली को अब यकीन हो गया कि क्या है, ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ चारों सेम आ गया, तो यहां से लिखेंगे अतः चंपा सही कह रही थी, चंपा सही कह रही थी। यहां पे दोस्तों ये प्रूफ हो गया कि चंपा की बात क्या है, 100% सही है। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन में आपको तो क्या कह रहा है दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। यहां पे बताना है और उत्तर का कारण भी देना है कि चतुर्भुज है या नहीं है। तो दोस्तों यहां से अब छठे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। मेरा छठा नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें वर्ग बनाएंगे। ये मेरा बिंदु दे रखा है ए बी सी और डी। तो ए का बिंदु है माइनस एक और माइनस दो, और बी बराबर दे रखा है एक और जीरो, और सी बराबर दे रखा है माइनस एक और दो, और डी बराबर माइनस तीन और जीरो। तो ये दोस्तों इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे और ये पता करेंगे कि ये वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों उसी तरह से बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए और बी के बीच की दूरी यहां से निकाल लेंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करके। तो ए बी के बीच की दूरी दोस्तों हो जाएगा x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यहां पे हम लगाएंगे, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करके दोस्तों हम बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x2 बराबर है माइनस वन और माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू और माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो रूट अंडर यहां से हो जाएगा, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक और प्लस तीन का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां भी माइनस दो का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों माइनस प्लस माइनस, तो यानी दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, और यहां प्लस माइनस दो का स्क्वायर रूट हो जाएगा चार। तो यहां से आ गया दोस्तों रूट आठ। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना आ गया, रूट आठ। अब दोस्तों बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो बी और सी के बीच की दूरी रूट अंडर माइनस एक और माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दो, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, और यहां दो में से जीरो घटाएंगे तो दो, और दो का स्क्वायर यहां भी कितना हो जाएगा चार, तो प्लस चार। तो यहां से भी दोस्तों कितना आ गया, रूट आठ। तो बी और सी के बीच की दूरी भी कितना आया, रूट आठ। अब सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं,
तो सी और डी के बीच की दूरी हो जाएगा, सी और डी के बीच की दूरी रूट अंडर माइनस एक माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चार और प्लस दो में से जीरो घटाएंगे तो अगर स्क्वायर करेंगे तो दो का चार हो जाएगा। तो यहां से भी दोस्तों कितना आ गया, रूट आठ। अब दोस्तों डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे, तो डी और ए के बीच की दूरी हो जाएगा रूट अंडर माइनस थ्री और माइनस माइनस वन पूरा का होल स्क्वायर और प्लस जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो में से दो को घटाएंगे तो माइनस दो का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो दो का होल स्क्वायर तो यहां से चार आ जाएगा और प्लस माइनस दो का होल स्क्वायर भी चार आ जाएगा। तो यहां से भी दोस्तों कितना आया, रूट आठ। तो आप देख सकते हैं कि चारों के बीच की दूरी कितना आया है, रूट आठ आया है। तो दोस्तों ये क्या है, ये वर्ग बना। तो ये हमारा चतुर्भुज क्या बना, वर्ग बना। तो अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से देख सकते हैं आप दोस्तों दूसरा नंबर, ए मैंने पहला नंबर का सॉल्यूशन किया, यहां से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी चार बिंदु दे रखा है, इसको ये बताना है कि चतुर्भुज है या नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए वर्ग है, ए बराबर है दोस्तों माइनस तीन और पांच, और बी बराबर है तीन और एक, और सी बराबर है जीरो और तीन, और डी बराबर दे रखा है माइनस एक और माइनस चार। तो अब दोस्तों इन बीच की दूरी निकालते हैं सभी का बारी बारी से। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो रूट अंडर हो जाएगा ए और बी के बीच की दूरी, तो थ्री प्लस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों तीन और तीन छह का होल स्क्वायर प्लस माइनस चार का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों छत्तीस प्लस माइनस चार का होल स्क्वायर हो जाएगा सोलह। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों मेरा कितना आ जाएगा, रूट बावन। आगे बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर जीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा कितना दोस्तों, थ्री का होल स्क्वायर प्लस दो का होल स्क्वायर। तो यहां से नौ प्लस चार, तो कितना हो गया दोस्तों, रूट ग्यारह। अब सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो सी और डी के बीच की दूरी माइनस एक और जीरो का होल स्क्वायर प्लस माइनस चार और माइनस तीन का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों माइनस एक बच जाएगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस सात का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसलिए माइनस सात का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा प्लस सात का स्क्वायर उनचास हो जाएगा, तो उनचास और एक पचास। तो यहां से दोस्तों आ गया कितना, रूट पचास। अब ए और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए और डी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस तीन और माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस माइनस चार और माइनस पांच का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस चार का होल स्क्वायर और प्लस यहां भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस नौ का होल स्क्वायर। तो माइनस चार का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों सोलह और नौ का स्क्वायर हो जाएगा
81। हाँ तो यहां से दोस्तों रूट 81 हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 97। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सारा अलग अलग आ रहा है, ए बी के बीच की दूरी कितना आया रूट 52, बी सी के बीच की दूरी रूट 11, सी डी के बीच की दूरी रूट 50 और ए डी के बीच की दूरी रूट 97। तो ये क्या होगा सब अलग अलग आ रहा है, तो यहां से दोस्तों चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहां पे हम लिख देंगे कि चतुर्भुज नहीं बनेगा। यही मेरा दूसरा का सोल्यूशन हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यानी छठा का तीसरा है ये। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी यही काम करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद बीच की दूरी निकालेंगे बारी बारी से और चेक करेंगे कि चतुर्भुज बनेगा या नहीं। तो ए बराबर दे रखा है दोस्तों 4 और 5, बी बराबर दे रखा है दोस्तों 7 और 6 और सी बराबर दे रखा है 4 और 3 और डी बराबर दे रखा है यहां से दोस्तों 1 और 2। तो अब बारी बारी से हम बीच की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो रूट अंडर इसके और इसके बीच की, तो रूट अंडर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यानी यहां से दोस्तों कितना आ गया रूट 10। अब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे दोस्तों। तो बी और सी के बीच की दूरी, तो बी और सी के बीच की दूरी रूट अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और +-3 का होल स्क्वायर। तो यहां से 9 प्लस 9 यानी √18 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहां से सी और डी के बीच की दूरी हो जाएगा √1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और +2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहां से भी कितना आ गया √10। अब AD के बीच की दूरी निकालते हैं दोस्तों, A और D के बीच की दूरी। तो यहां से √4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और +5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 2 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से भी कितना हो गया दोस्तों 9 प्लस 9 यानी √9 प्लस 9 √18। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या आया है, ए और डी के बीच की दूरी कितना आया √10 और बी और सी के बीच की दूरी √18 और सी और डी के बीच की दूरी √10 और ए और डी के बीच की दूरी √18। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या हैं बराबर हैं और सी और डी ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो ये कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा दोस्तों, ये समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है समान है, इसलिए समानांतर चतुर्भुज ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। ये 7वें नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु आपको निकालना है।
तो दोस्तों सातवां नंबर का सॉल्यूशन यहां से हम करते हैं। सातवां नंबर, तो सबसे पहले इस पे फिगर बना लेंगे। ए हो गया दोस्तों मेरा ए, ए हो गया बी, और यहां पॉइंट हो गया ओ, एक्स और जीरो यहां हो गया। तो ए बराबर दे रखा है बिंदु दो और माइनस पांच, और बी बराबर दे रखा है दोस्तों माइनस दो और नौ। तो यहां से अब समदूरस्थ है या नहीं चेक करते हैं। तो ए ओ ए बराबर ओ बी, सबसे पहले ओ ए बराबर ओ बी करते हैं दोस्तों। तो ओ ए के बीच की दूरी निकालते हैं और ओ बी के बीच की दूरी निकालते हैं और दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहां से बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करके ओ ए बराबर निकालेंगे और ओ बी बराबर निकालेंगे। तो ओ ए बराबर एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर और प्लस जीरो माइनस माइनस पांच का होल स्क्वायर बराबर हो गया रूट अंडर दोस्तों एक्स माइनस यहां से माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नौ का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स और प्लस पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा दोस्तों बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो जाएगा फोर और प्लस फोर एक्स प्लस इक्यासी। तो इसको माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा तो ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए और यहां प्लस जीरो में से नौ को घटाएंगे तो नौ, तो नौ का स्क्वायर रूट हो गया यहां से इक्कीस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो ये मेरा कट गया और यहां से प्लस चार और चार भी कट गया। तो कितना बचा दोस्तों चार एक्स और माइनस चार एक्स बराबर इक्यासी माइनस पच्चीस। तो यहां से माइनस आठ एक्स बराबर छप्पन, तो एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों माइनस सात। आगे बढ़ते हैं तो यहां से ओ बराबर मेरा कितना निकल गया माइनस सात और जीरो। तो ये दोस्तों हो गया सातवें नंबर का सॉल्यूशन। अब आठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आठवें नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी दो और माइनस तीन, यहां माइनस तीन है दोस्तों, और क्यू यहां दस और यहाँ पे y है के बीच की दूरी 10 का मात्रक है। तो बीच की दूरी दिया हुआ है दोस्तों कितना 10, और p बराबर बिंदु भी दे रखा है कितना 2 और माइनस तीन, और q बराबर दे रखा है 10 और y। तो यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों सॉल्यूशन इसका। देखिए तो दोस्तों यहां से सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे समझने के लिए। यहां दोस्तों P बिंदु है और यहां Q बिंदु है। अब P बिंदु बराबर दे रखा है कितना दो और माइनस तीन दोस्तों, और Q बराबर कितना दे रखा है दस और Y। तो और इसके बीच की दूरी भी कितना दे रखा है दस, इसके बीच की दूरी कितना है दस है। तो ये y का मान निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला का यूज करके हम इसमें डायरेक्ट y का मान निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों आप देखिए p और q बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला का यूज करेंगे तो 10 माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस तीन का होल स्क्वायर यहां से हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद तो यहां से P और Q के बीच की दूरी यहां दे रखा है कितना 10, तो यहां पे हम PQ के बीच की दूरी यहां 10 रख देते हैं। अब इसको
कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है यहां पे हम नहीं हटाएं, तो इसके बदले यहां स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 64 है, तो इसको बराबर के इस तरफ हम लेकर के जाते हैं, तो 100 माइनस 64 बराबर इस तरफ क्या बच गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बच गया दोस्तों। तो यहां से कितना आ गया, 36। तो 36 हो गया, और ये स्क्वायर रूट है दोस्तों, इस तरफ से हम हटा देते हैं, हटा सकते हैं, तो इस तरफ कितना आ जाएगा, ऐसे रूट चढ़ जाएगा बराबर रूट वाई प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 36 का रूट जानते होंगे आप कितना होता है, 6 बराबर वाई प्लस 3। तो यहां से 3 को भीतर ले जाएंगे तो प्लस है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 3। तो y इज इक्वल टू 3। हाँ, तो यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं कि रूट 36 है, तो यहां से प्लस और माइनस दो मान निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा और एक माइनस में निकलेगा। तो प्लस 6 ले रहे हैं, तो y का मान कितना आ जा रहा है मेरा, 3 आ जा रहा है। और अब इसमें y बराबर अब माइनस 6 रखते हैं तो कितना आएगा, तो y प्लस 3 बराबर अब माइनस 6 रख देते हैं, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस 6 और इस तरफ जाएगा तो माइनस 3। तो यहां से y बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 9। तो यहां से दोस्तों y का दो मान आया, एक मान ये वाला आया यहां से और एक मान ये यहां से। तो y का दो मान हो गया दोस्तों कितना, 3 और माइनस 9, यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन पे। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, नौवें नंबर क्वेश्चन में है कि यदि Q बिंदु 0 और 1 बिंदुओं P 5 और माइनस 3 और R X और 6 से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो समदूरस्थ है ये ज्ञात करना है और x का मान निकालना है, और दूरियां क्या करना है दोस्तों, q और pr के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। तो यहां से आप देख सकते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नौवां नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों ऐसे फिगर पार लेते हैं, आसानी होगी समझने में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये बिंदु कौन सा है, P, ये बिंदु है Q और इसको मान लिए R, ठीक है दोस्तों। तो ये X और 6 और P बराबर 5 और माइनस 3 और Q बराबर है 0 और 1। तो सबसे पहले दोस्तों समदूरस्थ है, तो Q और R बराबर P और Q कर लेते हैं। तो बीच का फॉर्मूला के यूज करके, तो रूट अंडर 0 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस ए 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां से हो गया दोस्तों x स्क्वायर प्लस 25 बराबर हो गया 25 और प्लस 16, माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहां से 25 से 25 कट जाएगा दोस्तों, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, तो x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट 16। तो x बराबर 16 का वर्गमूल होता है 4,
तो एक बार 4 प्लस में निकलेगा दोस्तों और एक बार माइनस में निकलेगा। जब स्क्वायर रूट से कोई भी मान निकलता है तो दोनों साइन में निकलता है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो अब कह रहा था कि पी और आर के बीच की दूरी निकालें, तो पी और आर के बीच की दूरी निकालते हैं दोस्तों। तो एक्स बराबर सबसे पहले हम 4 रखते हैं, तो क्या होता है पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी एक बार प्लस वाला 4 रखेंगे और एक बार माइनस वाला 4 रखेंगे। तो एक्स बराबर प्लस 4 रखते हैं तो पी और आर के बीच की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं कि 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस 3 और माइनस 36 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो कितना गया दोस्तों रूट 82 यहां से आ गया। तो P और Q के बीच की दूरी 82 आ गया जब x बराबर कितना रखें 4 रखें दोस्तों। अब यहां पे हम x PR के बीच की दूरी निकाल लिए, अब Q और R के बीच की दूरी निकालते हैं दोस्तों। तो Q और R बराबर हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से 0 में से अंक को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 25 कितना आ गया रूट 41। तो x बराबर 4 रखें तो पी आर के बीच की दूरी आया रूट 82 और क्यू आर के बीच की दूरी आया रूट 41। अब दोस्तों x बराबर हम माइनस 4 रख के पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं। तो x बराबर माइनस 4 रखने पे क्या आता है पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी, तो पी आर बराबर हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर 5 और माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 3 और माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहां से 6 और 3 9 का स्क्वायर। तो दोनों कितना हो गया दोस्तों, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और प्लस यहां से भी 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आ गया दोस्तों रूट 162। तो इसको कितना लिख सकते हैं 9 रूट 2 लिख सकते हैं दोस्तों। अब Q और R के बीच की दूरी निकाल लेते हैं कि Q और R के बीच की दूरी कितना आता है जब x बराबर माइनस 4 रखते हैं, तो 0 माइनस और माइनस 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया दोस्तों 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से कितना आ गया रूट 41। अब दोनों को जोड़े तो रूट 41 आया है। तो यहां से यही हो गया दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी निकाल लिए दोनों मान रख के, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो देख सकते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स और वाई बिंदु 3 और 6 और माइनस 3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो ऐसे संबंध ज्ञात करना है किसमें दोस्तों, एक्स और वाई में। तो x और y में हमको संबंध ज्ञात करना है क्या होता है, तो यहां से देख सकते हैं दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे a हो गया a और a हो गया b। तो a बराबर दे रखा है कितना 3 और 6,
आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, और बी बराबर माइनस तीन और चार दे रखा है दोस्तों, और यहाँ पे है ओ एक्स और वाई, यही दोनों में हमको संबंध निकालना है कि क्या संबंध आता है। तो यहां से दोस्तों इसमें भी बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करके हम संबंध निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि ए और ओ बराबर ओ और बी करते हैं, तो ए और ओ बराबर ओ और बी करते हैं, यही दोनों में रिलेशन निकालते हैं कि क्या होता है। तो इसको कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले ए और ओ के बीच की दूरी निकालेंगे, तो थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस छ माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस माइनस तीन का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई प्लस चार का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो यहां से आप देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो तीन का स्क्वायर नौ प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स प्लस छत्तीस बराबर इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ अब इसको a माइनस बी के दी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों और माइनस बारह वाई बराबर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस नौ और प्लस सिक्स एक्स और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस सोलह और माइनस आठ वाई, यहाँ से ये दोस्तों हो गया इसका सॉल्यूशन और इधर से हो गया यहाँ का सॉल्यूशन। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ भी नौ, तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में यहाँ प्लस है, तो यहाँ नौ से नौ कट गया, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, अब यहाँ वाई स्क्वायर दोनों तरफ है तो इसको भी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब जो बचा हुआ है दोस्तों उसको हम लिख देते हैं, तो क्या बचा हुआ है यहां से माइनस बारह एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस सोलह और माइनस छत्तीस। तो आप समझे दोस्तों यहां से क्या किया मैंने कि एक्स वाले को एक तरफ करके लिख दिया यानी इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस छ, तो छ और छ बारह एक्स हो गया और यहाँ चार वाई बचा हुआ था तो आठ में से बारह को घटाएं तो कितना हो जाएगा चार वाई हो जाएगा, तो माइनस चार वाई यहाँ से हो गया और बराबर इधर दोस्तों कितना बच गया माइनस सोलह, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ प्लस सोलह है तो इस तरफ ही है तो यहाँ प्लस सोलह हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस तो बारह और चार दोनों में सॉरी दोनों में कॉमन ले लेंगे चार, माइनस चार कॉमन लेंगे तो थ्री एक्स और प्लस वाई बच जाएगा दोस्तों। तो यहां से प्लस और माइनस माइनस होता है तो घटाएंगे तो बीस हो जाएगा। अब देखते हैं बड़ा का चिन्ह क्या है, तो माइनस में है तो यहाँ माइनस बीस हो जाएगा, तो यहां से माइनस चार से माइनस बीस कट गया दोस्तों, तो इधर कितना बच गया पांच बार में कटा तो थ्री एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया पांच, तो अब पांच को इस तरफ ले आते हैं तो थ्री एक्स प्लस वाई माइनस पांच बराबर जीरो, तो यही मेरा एक्स और वाई में संबंध आ गया दोस्तों, तो यही हो गया मेरा आंसर दसवें नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।